ने आके 9 बॉलों पे 23 रन करके चला गया, 3 छक्के मार के चला गया। तो भाई आप जब टेलेंडर से रन्स करवाओगे, मतलब थर्ड क्लास बॉलिंग, रबादा, निकीति, ठीक है इनके जो क्विड से एक फास्ट बॉलर नए हैं, वो इतनी थकी हुई बॉलिंग यार। सलाम वालेकुम जी, ये क्या हो रहा है भाई? अफगानिस्तान की टीम ने भी इंग्लैंड को मैच हरा दिया, लेकिन ये तो चलो समझ आती है ना कि अफगानिस्तान की टीम के पास उनकी जो बॉलिंग थी वो बड़ी अच्छी थी, उनका स्पिन अटैक अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, बॉलिंग बहुत फास्ट बॉलिंग अच्छी थी। लेकिन ये नेदरलैंड को क्या हो गया आज? ये साउथ अफ्रीका 2022 में भी नेदरलैंड से हारी थी, आप सबको याद होगा। तो क्या हो जाता है साउथ अफ्रीका को यार, 112 पे 6 आउट नेदरलैंड के, उसके बाद जो उनके कप्तान है एडवर्ड्स, क्या क्लास किस्म की उन्होंने जो है वो इनिंग खेली है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लेयर बहुत बुरा, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन साउथ अफ्रीका को अपनी बॉलिंग तो देखनी चाहिए, क्या बॉलिंग वो उन्होंने की है। उसके बाद वो वैंडर मर्वी जो है स्पिनर उनका, उसने क्या बोलते आगे नीचे से 29 रन की इनिंग खेल गया, वो तो छोड़े उसने जो इनिंग खेली है। दत्त ने आके 9 बॉलों पे 23 रन करके चला गया, 3 छक्के मार के चला गया। तो भाई आप जब टेलेंडर से रन्स करवाओगे, मतलब थर्ड क्लास बॉलिंग, रबादा, निकीति, ठीक है इनके जो क्विड से एक फास्ट बॉलर नए हैं, वो इतनी थकी हुई बॉलिंग यार, इतनी बुरी बॉलिंग, समझ नहीं आई कि साउथ अफ्रीका किस किस्म की बॉलिंग करना चाह रहा था भाई। इन्हीं चीजों की वजह से साउथ अफ्रीका को बोला जाता है कि यार ये टीम बड़े मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में हार जाती है। ये तो चलो नॉकआउट मैच नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका को नुकसान तो हो गया, वीक टीम से आप जो है वो मैच हार गए और दूसरी दफा वर्ल्ड कप में आ रहे। तो बैड बॉलिंग, बैड क्रिकेट, बहुत ही गंदी जो है वो क्रिकेट खेली गई। उसके बाद जब आप बैटिंग में आए, बैटिंग में मुझे समझ नहीं आई कि किस किस्म की जो है वो बैटिंग हो रही थी। 38 रन से आपकी टीम हार गई यार। मैं तो ये समझ रहा था कि 43 ओवर का मैच है, 245-46 का टारगेट मिला है, साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग कर रही है, साउथ अफ्रीका तो 35 ओवर में रन्स बना लेगी, चलो 35 भी नहीं, 40 ओवर में ही रन्स बना लेगी। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई, वो खुद 207 रन पे ऑल आउट हो गए। भाई अगर इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को रहना है तो इस किस्म की क्रिकेट नहीं चलेगी भाई। अगर आप इस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर इसीलिए लोग कहते चौकर जाइए, इसीलिए लोग कहते कि ये भी टीम वही है, अच्छी टीम के खिलाफ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खेलती है, वीक टीम के खिलाफ इनका भी बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद शॉट सिलेक्शन तो देखो यार, मतलब अब क्लासन ने जो शॉट मारा है वो शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी भाई। जब आपके साथ मिलर बैटिंग कर रहे हैं तो क्लासन को शॉट खेलने की जरूरत थी, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि ये दोनों मेन प्लेयर हैं, इन दोनों में से किसी एक को आउट कर दो, फिर मैच एक 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 साइड से जो विकेट है वो ओपन हो जाएगी, टेलेंडर्स आएंगे ओपन हो जाएगी, मिलर को रोक लेंगे हम, वो पीछे उसको दी, वो मारी सीधा हाथ में चली गई, आपको शॉट मारने की जरूरत ही नहीं थी, आराम से खेलते रहते। दोनों छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, मिलर भी और ये सेंसिबल खेलते रहते, शायद आखिरी 6-8 ओवर में मौका मिलता तो मारते, तो मैच शॉट्स जो है वो लग जाते और मैच जीत जाते। उसके बाद मिलर की बात करें, मिलर ने भी बहुत गलत शॉट खेला है, मिलर को शॉट खेलने की वो जरूरत ही नहीं थी, आराम से खेलने मेरे हिसाब से जो मुझे समझ है, मिलर को शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी उसमें भी, क्योंकि मिलर एक वाइड बैट्समैन रह गया था, मिलर को एंड तक जाने की जरूरत थी कि एंड तक जाओ, बेशक मेरे साथ टैलेंडर अगर आखिरी विकेट तक भी मैं खड़ा हूँ, मैं लास्ट ओवर्स तक जाऊंगा, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है वो 1 ओवर में 20-20, 22-22 रन भी मार सकता है, क्या पता लगने लग जाते, क्योंकि फिर उसका नेचुरल गेम शुरू हो जाता। क्योंकि इस टाइप के प्लेयर, मिलर विलर टाइप के प्लेयर ऐसे ना, आप जितना इनको रोक के रखोगे किसी टाइम भी आउट हो जाएंगे, रोक रोक के इनको चलाओगे, इनको वो प्रॉब्लम होती कि मैं छक्के क्यों नहीं मार रहा, मैं तेज़ क्यों नहीं खेल रहा। वही उसने जो है वो गलत शॉट खेल दिया। आगे अगर साउथ अफ्रीका ने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अच्छी टीम्स को मारना है, तो ये तो साउथ अफ्रीका की टीम हार के अपने ऊपर खुद ही प्रेशर डाल के लेके आ गई है कि दूसरी टीम्स को बता दी, आओ जी हमें मारो और हमें थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करो, हम फंस जाएंगे वहां पे। आई थिंक क्रेडिट देता हूँ मैं नेदरलैंड की टीम को,
उनके कप्तान को मैच विनिंग इनिंग खेली उन्होंने, उसके बाद इनके बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग जो है वो बॉलिंग की है। देखें इनकी इनके बॉलर्स को, अब आप मुझे बताइए इनके कोचिंग स्टाफ में कौन से इतने बड़े मशहूर क्रिकेटर बैठे हुए हैं? कोई नहीं बैठे हुए, वो भी तो कोचिंग कर ही रहे हैं ना, वो भी तो इनको बता ही रहे हैं ना कि किस तरह। लाजमी बात नहीं है कि आपके कोचिंग स्टाफ में बहुत बड़े बड़े नाम होंगे तो आप सब कुछ करेंगे। हमारे पास कितने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान टीम के पास, वो एक मैनेज नहीं कर पा रहे किसको बैटिंग करानी है, किसको मैच खिलाना है, किससे बॉलिंग करानी है। टीम हमसे 11 लड़के नहीं बन पा रहे ऐसे कि हम टीम परफॉर्मेंस दे पाए। उनके पास देखो नैदरलैंड के पास कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने प्लेइंग 11 ऐसे खिलाई। अब उनके फास्ट बॉलर्स आप देखो, उनको पता है कोई इतना तेज नहीं है, ठीक है 135 136 इस पेस से सारे बॉल करते हैं, लेकिन वो एक चैनल पे बॉल करे। आप देखो कि वो जो है वो आगे से बॉल स्विंग करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, पिच पे हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है। कभी कहीं थोड़ा सा फ्लाई कर रहा है बॉल, कभी थोड़ा सा बॉल लो रह रहा है। ऐसी पिचेस पे अगर आप विद स्टंप बॉलिंग करेंगे तो उसमें मुश्किल होगा। वैन डर मर्वी जो है स्पिनर जो है, उसने इतनी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। सही है, डाउसन जो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक उनका एक नेचुरल शॉट है, वो नेचुरल जो रिवर्स स्वीप उन्होंने मारा सीधा फील्डर के हाथ में, कि वो नेचुरल खेलते हैं और उनके शॉट्स लगते भी हैं। आज उनकी जो है वो बैट लग ली। माँ करम को देख ले बैकफुट पे जा रहे हैं, पता नहीं वो इतनी तेज गेंद थोड़ी कर रहे हैं, मतलब अपनी गलतियों से जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम आउट हुई और ये जो मैच हार गई, 2 पॉइंट अपने जो है वो जाया कर दिए। ये देखें छोटी टीम्स जो हैं, अफगानिस्तान हो गई या नेदरलैंड होगी, देखिए इन लोगों के लिए यही वर्ल्ड कप है, बड़ी टीम को मार दिया वर्ल्ड कप जीत गए, क्योंकि इन्होंने कभी जीता ही नहीं। तो ये बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं बड़ी टीम से। जो एक्सपीरियंस टीम है उन्होंने तो बड़ी टीम्स को हराया हुआ, उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी रेपुटेशन खराब होती है। अब साउथ अफ्रीका की रेपुटेशन खराब हुई है नेदरलैंड से हार के, तो ये जो आपकी एक रेपुटेशन बनी जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, पहले मैच दो दो मैच आपने खेले, आपने फाड़ फूड़ के रख दिया सबको, आपने हिला उलू के रख दिया, सब ये सोच रहे भाई क्या हो गया साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका की बैटिंग बॉलिंग ये तो किसी को हाथ ही नहीं, 2 मैचेस में लग रहे दिया। वो जो मैचेस थे वो आपने आके सारा जीरो कर दिया नेदरलैंड के खिलाफ। तो ये जो इमेज गया है आज साउथ अफ्रीका का, ये बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं गया। फिर एक दफा मुबारकबाद देता हूँ हॉलैंड को, पूरे मैच में डोमिनेट किया है, चाहे बैटिंग हो। कब डोमिनेट किया बैटिंग में? जब 112 पे 6 आउट थे, उसके बाद जब कप्तान ने आके बैटिंग करना शुरू की है, वहां से उन्होंने डोमिनेट करने शुरू की, इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप को एंड तक मैच जीतने तक पूरी साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे डोमिनेट की है, उनको हिलने तक नहीं दिया। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।